और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहां पे बैठा हुआ हर इंसान एसएलबीएस वेलनेस में, आप अगर आज ये सोचते हो कि आप ब्लू डायमंड हो तो मैं ठप्पा लगा के जाता हूं आप ब्लू डायमंड हो। लेकिन दोस्त एक चीज करना पड़ेगा, जब दोपहर में 2 बजे आप बैठे थे और ऊपर से धूप आ रही थी तो आपके अड़ोस पड़ोस में बैठा हुआ कोई साथी इसलिए चला गया कि अभी तो धूप है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो टिके रहे उनके सामने से धूप भागी कि नहीं भागी, छाया आई कि ना आई। दोस्तों जिंदगी में सक्सेस का इतना सा मंत्र है, जो बैठा रह गया उसकी जिंदगी से गरीबी भाग जाएगी और अमीरी आ जाएगी, जो चला गया उसकी तो छोड़ जाएगी। जिंदगी का इतना ही कामयाबी का मंत्र और कुछ नहीं है। ये जो टिका रहेगा, आज जितने भी लोगों को देखा आपने, ये कामयाब सिर्फ इसलिए है कि परिस्थितियां अनुकूल रही चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल रही, ये लोग टिके रहे। ये आपको डिसाइड करना है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप टिके रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब मैं मेरी गाड़ी लेके दिल्ली से निकला वाराणसी के लिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने मैक्सिमम स्पीड 280 भी चलाई और 5 की स्पीड में भी चलाई, लेकिन 280 की स्पीड ने मुझे जितना मोटिवेशन दिया, 5 के स्पीड ने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। मैं लगातार भी चला और ट्रैफिक जाम में भी फंसा, मैं धीरे भी चला और कई बार टोल टैक्स पे भी रुका, लेकिन अगर लगातार चलता रहा तो मैं आपके बीच में आ गया। इस बात का हमारे बिजनेस से मतलब क्या है मैं समझाता हूं। कभी कभी आप जिन जिन लोगों के पास जाते हैं, सारे के सारे लोग 280 की स्पीड से ज्वाइन कर जाते हैं। कभी कभी आप जितनों के पास जाते हैं, कोई आदमी स्वीकार नहीं करता, हर आदमी रिजेक्ट करता है, लेकिन जो लगातार चलता है, जब मैं दिल्ली से चल के वाराणसी पहुंच सकता हूं तो जो लगातार चलेगा वो ब्रॉन्ज से चलकर ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ये मेरी गारंटी। तो करने के लिए तैयार है दोस्तों? मैं तो एक की बात बोल सकता हूं कि डरिए मत, लगातार कीजिए, इस काम पे प्राउड फील कीजिएगा। दोस्तों दुनिया के 2 बात बोलूंगा और ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में कोरोना टाइम से आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, आप में से किसी ने शुरुआत की है वो भी, और जो बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे या किसी भी लेवल पे है वो भी, कि एक इंसान आज रात को घर जाने के बाद आप सभी से आग्रह कर रहा हूं अपने आप पे मंथन करना कि क्या आज आपके पास कोई एक ऐसी इनकम आ रही है कि जिसको आप पैसिव इनकम बोल सकते हो। यानी कि ये सत्य है कि जो आया है वो, लेकिन जब जाएगा तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, ये बात महत्व रखती है दोस्त। ये बात सही है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो जाएगा तो परिवार को रोता हुआ छोड़ के जाएगा या पैसे की तरफ से फ्रीडम देके जाएगा, ये हर आदमी की जिंदगी में रोल रखता है। आज रात को घर जाने के बाद आप अपने आप से बात करना और एक सवाल करना कि क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं कि कल मैं रहूं ना रहूं, काम करूं ना करूं, फिर भी मेरे पास पैसा आएगा। अगर आपके दिल से आवाज आती है कि यस, तो मैं कहता हूं एसएलबीएस वेलनेस मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके दिल से एक आवाज आती है कि आज पैसे चाहे आप कमाते हो 1 करोड़ रुपए महीना, लेकिन आपकी इनकम अगर पैसिव इनकम नहीं है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप दिल से एसएलबीएस वेलनेस कीजिएगा। ये एक पीढ़ी नहीं, 3-3 पीढ़ी तक असली पैसिव इनकम आपको देगी। दोस्तों दूसरी बात, एक बात और बताऊंगा, इस दुनिया में कोई भी आदमी अपने लिए जीता है। कुछ जानवर 4 पैरों पे आते हैं और कुछ 2 पे आते हैं, हम वो 2 वाले हैं। लेकिन क्या हमारी काम करने की वजह से हमारी जिंदगी में हमारा परिवार चल रहा है, हमारे घर में रोटियां बन रही हैं, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? लेकिन क्या, एक सवाल और करना अपने आप से कि क्या आज तक कोई ऐसा काम किया
जिसकी वजह से मेरे अलावा किसी और के घर में चूल्हा जलता है? क्या कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से जब किसी के घर में चूल्हा जलता है और वह आदमी दिल से बोलता है कि मेरे घर में आज जो खुशियां हैं वो किसी और की वजह से है, ऐसा आपने अगर नहीं किया है तो जरूर ये काम कीजिएगा। ये काम आपके लिए नहीं, अपनों के लिए है दोस्तों। बाकी जिंदगी में डरना नहीं, जब लोग बोलेंगे कि जोड़ने का काम है, बोलते हैं ना, इसका सीधा सा जवाब है चाहिए, सारे बोलूंगा तो बताऊंगा। लोग बोलते हैं कि जोड़ने का काम है, दोस्त शर्माने वाली चीज नहीं है, डरने वाली चीज नहीं है। इस हिंदुस्तान में लोगों को तोड़ तोड़ के पैसा कमाते हैं, कोई जात के नाम पे, कोई पात के नाम पे, कोई देश के नाम पे, कोई प्रदेश के नाम पे, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे। अरे दुनिया जब तोड़ तोड़ के कमाती है, हम तो जोड़ जोड़ के कमाते हैं। अगर शर्म आए तो तोड़ के कमाने को वाले को आए, हम लोगों को नहीं आएगी क्योंकि हम तो जोड़ने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, जोड़ने का काम अच्छा या तोड़ने का काम अच्छा? तो करेंगे आज के बाद जोड़ने का काम, जो मिलेगा उसको, क्योंकि जोड़ने का काम पुण्य का काम है दोस्त। और दोस्तों एक ही बात बताऊं, अपने पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हां एक बात ध्यान से समझना, इस दुनिया में जब आदमी कोई भी काम करता है तो एक ना एक दिन ब्रेक जरूर मिलता है। किसी क्रिकेटर को एक दिन में ब्रेक नहीं मिला है, किसी एक्टर को एक दिन में ब्रेक नहीं मिला है, किसी भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी को एक दिन में नहीं मिला है, लेकिन जो लगातार लगा रहा है उसको एक ना एक दिन ब्रेक मिला है दोस्त। आप भी जब लगातार लगे रहेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आप वहां बैठ के सुनने के लिए नहीं, इस मंच पे आके इस माइक पे बोलने के लिए पैदा हुए। मेरी तरफ से आप सभी को ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए एडवांस में दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ये कह रहा हूं कि आपके अपलाइन ने असली बीएस वेलनेस में एक वजूद बनाया है कि वाराणसी की टीम नंबर वन और आज तक असली बीएस वेलनेस की सबसे दमदार टीम है। और आप सोचिए, आपकी कमान जिन हाथों में है वो अगर इतने मजबूत है तो ताकत सोच के देखिए आपको कहां तक लेके जा सकते हैं। और इस बात में इतना सा भी संदेह नहीं है कि आप ब्रांड एम्बेसडर से पहले रुकने वाले हैं दोस्त, क्योंकि जब मैं एंट्री कर रहा था तब भी ये हॉल भरा हुआ था, और अब जब हम क्लोजिंग की ओर हैं तब भी हॉल भरा हुआ है। बाहर जब कुछ लोगों को पता चला, लोगों ने बोला सर हम तो पूरी ताकत लगाते हैं, बसें भर के लाते हैं, फिर भी इतने लोग नहीं आते, आप कैसे ले आए? हमने बोला आप पता नहीं कैसे लाके हो, हम तो दिल से लेके आते हैं और दिल वाले आ ही जाते हैं, क्योंकि दिल वालों के साथ दिल वाले जुड़ ही जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बस आपका साथ, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ये छोटी मोटी पावर नहीं है। ये वाराणसी की धरती पे हम ऐलान करते हैं कि आज के बाद असली बीएस वेलनेस में नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अचीवर बनेंगे तो असली बीएस वेलनेस में ही, वाराणसी की धरती से बनेंगे। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? तैयार है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।